हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार मेहता है और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10+2 के एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड ने जो मैथ्स का मॉडल पेपर जारी किया है उसके सल्यूशन के बारे में। जी हाँ, 10+2 के एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड ने मैथ का जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके सल्यूशन के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इन्हें सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है कि संबंध R1342 24 23 31 समुच्चय 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है। इसमें मेरे पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है सतुल्य, दूसरा ऑप्शन है संक्रमक और तीसरा ऑप्शन है सममित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सतुल्य संबंध क्या है, संक्रमक संबंध क्या है और सममित संबंध क्या है। इसके बाद इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो ये मेरा पहला संबंध है, सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध कहता है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक सतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए अवयव ए बिलोंग टू समुच्चय ए के लिए ए बिलोंग टू आर। इसका बोलने का अर्थ हुआ कि अगर कोई समुच्चय ए है और इस ए का अवयव है 1 2 3 1 2 3 और तो एक 1 2 3 तो इस पर एक ऐसा रिलेशन परिभाषित होना चाहिए, इस पर एक ऐसा रिलेशन परिभाषित होना चाहिए कि इस रिलेशन में 1 1 अवयव हो, 2 2 हो और 3 3 हो। ये तीन अवयव अवश्य हो, तीन अवयव के बाद को भी अवयव हो सकता है लेकिन ये तीन अवयव होना चाहिए और ये तीन अवयव होगा तभी वो संबंध R सतुल्य संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे समुच्चय ए में तीन अवयव है 1 2 3 और हम संबंध R1 R2 और R3 को परिभाषित किए हैं। तो देखते हैं कि R1 में हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 भी R1 के अंदर है, 2 2 भी R1 के अंदर है और 3 3 भी R1 के अंदर है। तो समुच्चय ए में 1 2 और 3 अवयव हैं तो 1 1 भी है R1 के अंदर, 2 2 भी है R1 के अंदर और 3 3 भी है R1 के अंदर। इसलिए R1 जो होगा वो सतुल्य संबंध होगा। इसी प्रकार R2 में भी देख रहे हैं कि 1 1 भी हैं, 2 2 भी है और 3 3 भी हैं, जो कि समुच्चय ए का अवयव है 1 2 और 3। तो 1 1 भी इसके अंदर आ रहा है, 2 2 भी इसके अंदर आ रहा है और 3 3 भी इसके अंदर आ रहा है। तो R2 भी जो होगा वो सतुल्य संबंध होगा। लेकिन R3 में हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 बिलोंग कर रहा है R3 से, 2 2 बिलोंग कर रहा है R3 से और 1 1 भी बिलोंग कर रहा है R3 से, लेकिन 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा है R3 से। इसलिए R3 जो होगा वह सतुल्य संबंध नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा संबंध के बारे में। दूसरा संबंध है मेरा सममित संबंध। सममित संबंध कहता है कि समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर। बोलने का अर्थ हुआ कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका उल्टा वाला अवयव जिसमें बी पहले हो और ए बाद में हो वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, यानी ए बी जो हो पूरा आर के अंदर आना चाहिए।
समित समन कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका जो उल्टा क्रम में जो क्रमित युग्म बनेगा बी ए, वो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो औसत संबंध को हम लोग बोलते हैं सम्मित संबंध। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिए हैं कि हम लोग एक समुच लिए हैं जिसके अवयव है 1, 2, 3, और इस समुच पर हमने तीन संबंध को परिभाषित किए हैं। तीन संबंध को परिभाषित किए हैं, पहला आर वन है जिसमें अवयव है 1, 2 और 2, 1, फिर आर टू है जिसमें अवयव है 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, फिर आर थ्री है जिसमें अवयव है 2, 3, 3, 1 और 1, 3। तो सबसे पहले हम लोग पहला संबंध देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर वन से, बिलोंग कर रहा है आर वन से। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर वन से, 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर वन से। हम देख रहे हैं कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर वन से, तो 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर वन से। मतलब 1, 2 आर वन के अंदर है, तो 2, 1 भी आर वन के अंदर है। इसलिए आर वन जो होगा वो सम्मित संबंध होगा, आर वन जो होगा वो सम्मित संबंध होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं आर टू में, आर टू में देख रहे हैं हम लोग कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर टू से, बिलोंग कर रहा है आर टू से, तो 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर टू से। फिर देख रहे हैं कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर टू से, तो 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर टू से। तो 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर टू से, मतलब 1, 2 आर टू के अंदर है, तो 2, 1 भी आर टू के अंदर है। फिर 1, 3 आर टू के अंदर है, तो 3, 1 भी आर टू के अंदर है। तो इस संबंध को हम लोग बोलेंगे सम्मित संबंध। तो आर टू भी जो होगा वो सम्मित संबंध होगा, लेकिन आर थ्री में हम लोग देख रहे हैं कि 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर थ्री से, आर थ्री से, तो 3, 2 बिलोंग नहीं करता है आर थ्री से। मतलब 2, 3 आर थ्री के अंदर है, तो 3, 2 आर थ्री के अंदर नहीं है। इसलिए आर थ्री जो होगा वो सम्मित संबंध नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा संबंध के बारे में। तीसरा संबंध है मेरा संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध कहता है कि समुच ए पर कोई संबंध आर संक्रमक संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। इसका बोलने का अर्थ हुआ यह कि अगर कोई अवयव ऐसा है जो ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बिलोंग कर रहा है आर से, फिर एक अवयव ऐसा है बी और सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इस दोनों से एक ऐसा कर्मित युग्म बनेगा जो होगा ए और सी। इस दोनों कर्मित युग्म से एक ऐसा कर्मित युग्म बनेगा जो है ए और सी, तो वो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, वो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो संबंध आर को हम लोग बोलेंगे संक्रमक संबंध, संबंध आर को हम लोग बोलेंगे संक्रमक संबंध। तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं ए जिसके अवयव है 1, 2 और 3, और इस समुच ए पर हम लोग तीन संबंध को परिभाषित किए हैं, जो पहला है आर वन, आर टू और आर थ्री। तो सबसे पहले हम आर वन पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर वन में 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर वन से, आर वन से, और 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है आर वन से, तो 1, 3 बिलोंग करना चाहिए आर वन से, तो 1, 3 बिलोंग टू आर वन, तो 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है आर वन से। फिर देखते हैं कि 2, 3 बिलोंग टू आर वन, फिर 3, 2 बिलोंग टू आर वन, तो
टू, और टू भी बिलोंग करना चाहिए आर वन से। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टू टू बिलोंग नहीं कर रहा है आर वन से, टू टू जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर वन से, इसलिए आर वन जो होगा वो संक्रमक संबंध नहीं होगा। आर वन जो होगा वो संक्रमक संबंध नहीं होगा। इस प्रकार आर टू में तो एक ही अवयव है इसलिए भी संक्रमक संबंध नहीं होगा। आर थ्री में हम लोग देख रहे हैं कि आर थ्री में एक अवयव वन थ्री ये बिलोंग कर रहा है आर थ्री से, और थ्री टू ये भी बिलोंग कर रहा है आर थ्री से, आर थ्री से। तो वन टू बिलोंग करना चाहिए आर थ्री से, तो वन टू बिलोंग टू आर थ्री, तो वन थ्री वन टू भी बिलोंग कर रहा है आर थ्री से, वन टू भी बिलोंग कर रहा है आर थ्री से, इसलिए आर थ्री जो होगा वो संक्रमक संबंध होगा। आर थ्री जो होगा वो संक्रमक संबंध होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हम लोग का पहला प्रश्न है कि संबंध आर वन थ्री फोर टू, टू फोर टू थ्री, थ्री वन, समुच्चय ए बराबर वन टू थ्री फोर पर कैसा संबंध है। तो हम लोग सतुल्य संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं कि सतुल्य संबंध उसी संबंध को कहते हैं जिसमें वन वन अवयव हो, टू टू अवयव हो, थ्री थ्री अवयव हो और फोर फोर अवयव हो। लेकिन आर में ऐसा एक भी अवयव नहीं है, ना तो आर में वन वन है, ना तो टू टू है, ना तो थ्री थ्री है, ना तो फोर फोर है, इसलिए ये जो आर होगा वो सतुल्य संबंध नहीं होगा। आर जो होगा वो सतुल्य संबंध नहीं होगा। अब देखते हैं संक्रमक में। तो संक्रमक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी बिलोंग करेगा आर से, बी सी बिलोंग करेगा आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं इसमें। तो पहला लेते हैं अभी आपकी वन थ्री, चलिए वन थ्री बिलोंग कर रहा है आर से, वन थ्री बिलोंग कर रहा है आर से। फिर देख रहे हैं वन थ्री बिलोंग कर रहा है आर से, और इसके बाद थ्री वन, थ्री वन भी बिलोंग कर रहा है आर से, थ्री वन भी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन लेकिन वन वन बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, वन वन बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसलिए संबंध आर संक्रमक संबंध नहीं होगा। सममित में हम लोग पढ़ चुके हैं, सममित संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखते हैं ऐसा, तो देख रहे हैं कि हम लोग समझ में हम लोग देख रहे हैं कि वन थ्री बिलोंग कर रहा है आर से, वन थ्री बिलोंग कर रहा है आर से, तो थ्री वन भी बिलोंग कर रहा है आर से, चलिए ठीक है। फिर देखते हैं कि फोर टू बिलोंग कर रहा है आर से, तो टू फोर भी बिलोंग कर रहा है आर से। फिर देखते हैं कि टू थ्री बिलोंग कर रहा है आर से, तो थ्री टू बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, थ्री टू बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसलिए संबंध आर सममित संबंध भी नहीं होगा। यानी मेरा जो इसमें ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है मेरा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ये बहुत ही इजी है और ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही पूछा गया है। हम लोग फार्मूला जानते ही होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय टू। इसलिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर भी क्या होगा, पाई बाय टू। तो इसमें मेरा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो ऑप्शन होगा क्या होगा, सी होगा, पाई बाय टू। आइए हम लोग देखते हैं अब अपना तीसरा प्रश्न।
तीसरा जो प्रश्न है वो मेरा सारणिक का प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है वो सारणिक का प्रश्न है। बोल रहा है सारणिक बी सी वन वन बाय ए, सी ए वन वन बाय बी, ए बी वन वन बाय सी इक्वल टू वाट। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है कि हम कॉलम वन में, कॉलम वन में सबसे पहले गुना कर देना है वन बाय ए बी सी से, कॉलम वन को चेंज कर देना है वन बाय ए बी सी इंटू सी वन। तो जब कॉलम वन को हम लोग गुना कर देंगे वन बाय ए बी सी से तो आएगा बी सी बटे ए बी सी, सी ए बटे ए बी सी, ए बी बटे ए बी सी। तो यहाँ पर होगा क्या, बी सी कट जाएगा, सी ए कट जाएगा और ए बी कट जाएगा, तो बचेगा वन बाय बी वन बाय सी। और यहाँ भी है देख रहे हैं वन बाय ए वन बाय बी वन बाय सी, यानी कॉलम वन और कॉलम थ्री आपस में बराबर हो गया। और हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी सारणिक में, किसी भी सारणिक में अगर दो रो और दो कॉलम बराबर होता है तो उस सारणिक का मान जीरो होता है, उस सारणिक का मान जीरो होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में दिया हुआ यदि अब यू ए इक्वल टू वन 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 तो ए स्क्वायर इक्वल टू वाट, ए स्क्वायर इक्वल टू वाट। ये कुछ नहीं है, बस इसको अब करना क्या है, ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो करना क्या, ए को दो बार गुना करना है। तो ए को हम दो बार गुना करेंगे तो जो अभी आएगा गुना करके आएगा थ्री 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 थ्री। यहाँ फिर करना क्या है, आपको तीन कॉमन ले लेना है। तो तीन कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ जो आ गया अपना वन 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 जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर है, इसलिए क्या हो गया थ्री ए, इसलिए हो गया ए इक्वल टू थ्री ए। ऐसे हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी है ये तीन गुना तीन कोटि का है, तीन गुना तीन कोटि का है और इसके सारा अवयव वन है। तो जब ऐसा आए कि अगर कोई अवयव आवे ए इक्वल टू वन 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 और बोला जाए कि ए स्क्वायर इक्वल टू वाट, ए स्क्वायर इक्वल टू वाट, तो यहाँ देख रहे हैं जो कोटि है वो दो गुना दो का है, तो इसके ए स्क्वायर इक्वल टू जो होगा वो होगा टू ए, ए स्क्वायर इक्वल टू होगा जो होगा वो होगा टू, जो अभी यहाँ पर है वो दो गुना दो कोटि का है इसलिए ए स्क्वायर इक्वल टू टू है। तो इसी प्रकार ए जो अभी है वो तीन गुना तीन कोटि का है इसलिए ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट थ्री है। कब, जब अभी का अब सारा अभी अब वन हो तब। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवा प्रश्न के की ओर। तो मेरा पांचवा प्रश्न है अभी एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड एक्स वाई सिक्स टू फाइव एट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो अभ्यूह बराबर होता है यदि और केवल यदि दोनों अभ्यूह का प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हो। तो इसलिए तो हम लोग देख सकते हैं कि जो x प्लस वाई होगा वो सिक्स के बराबर होगा, तो हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स और जो एक्स वाई होगा वो एट के बराबर होगा, तो हम लोग लिख दिए हैं कि एक्स वाई इक्वल टू एट। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बाई प्लस में है तो इस साइड ले आए तो इस माइनस में हो गया। अभी इस एक्स के मान को हम लोग पुट कर दिए हैं एक्स के स्थान पर, तो जब एक्स के स्थान पर रख दिए सिक्स एक्स सिक्स माइनस बाई इंटू बाई और फिर इसके बाद बाई से गुना कर दिए हैं तो छः सिक्स इंटू बाई छः बाई और फिर बाई इंटू बाई बाई स्क्वायर इक्वल टू एट। अब सारा अवयव को इस साइड ले आए यानी सारा पद को इस साइड ले आए हैं तो हो गया मेरा बाई स्क्वायर प्लस सिक्स बाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए हैं, तो जो माइनस को कॉमन ले लिए हैं तो आ गया बाई स्क्वायर माइनस सिक्स बाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद इसका गुणनखंड निकाल दिए हैं तो गुणनखंड निकालने पर जो बाई का मान आया है वो मान है टू और फोर, टू और फोर, इसलिए मेरा जो ऑप्शन होगा वो दोनों है इसमें आ रहा है, टू भी आ रहा है और फोर भी आ रहा है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने छठा प्रश्न की ओर, यानी छः नंबर में जो मेरा प्रश्न है वो है यदि बाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाट। तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाट, ये बहुत इजी प्रश्न है। तो यहाँ जो मेरा दिया हुआ है बाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स, तो इस बाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स को हम लोग क्या किए हैं, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ
अवकलन कर दिए हैं, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर दिए हैं। तो होगा डी बाई डी एक्स और डी साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब इसे चैन रूल पे तोड़ दिए हैं, तो चैन रूल पे तोड़ने के बाद हम लोग जानते हैं कि साइन का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस, तो इसलिए साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स, और जो लॉग एक्स का होता है वो होता है 1 बाय एक्स। तो इसलिए अब इस कॉस लॉग एक्स इंटू 1 बाय एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस लॉग एक्स बाय एक्स, कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। तो इस 6 नंबर का जो मेरा ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा, जो दिया हुआ है कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने 7वां प्रश्न की ओर। मेरा 7वां प्रश्न है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 6, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट। यानी वाई को हम लोग को 2 बार अवकलन करना है, वाई को हम लोगों को 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न मेरा जो दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 6, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 6 को हम लोग 1 बार पहले अवकलन किए हैं, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर दिए हैं। तो दोनों तरफ अवकलन करने पे हम लिखे हैं डी वाई बटे डी एक्स, फिर डी एक्स क्यूब बटे डी एक्स, फिर 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस डी सिक्स बाई डी एक्स। तो एक्स क्यूब का जो अवकलन हो गया वो हो गया 3x स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं डी एक्स पावर एन वाई। डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो इस फार्मूला के आधार पर डी एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर। अब डी एक्स बाई डी एक्स का होता है 1, और किसी भी अचर राशि का अवकलन जो होता है वो 0 होता है, इसलिए क्या हो गया 0। इसलिए डी बाई डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4। फिर पुनः क्या किए, पुनः अब इसे हम लोग एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर दिए हैं। तो पुनः अवकलन करने पे ये 3 बाहर हो गया, तो लिखा गया डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस डी फोर बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग जानते हैं कि होता है 2x, और किसी भी अचर राशि का होता है 0। तो इस प्रकार में जो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर जो आया है वो आया 3 और गुना 6 2, तो 3 गुना 2 जो है वो 6x। इसलिए जो मेरा इसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 6x। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने 8वां प्रश्न की ओर। मेरा 8वां प्रश्न है कि त्रिज्या आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर जब आर बराबर 14 सेंटीमीटर है और पाई इक्वल टू 22/7, मतलब हमको निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष, त्रिज्या आर के सापेक्ष। ऐसे प्रश्न में अगर बोला जाए टी के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो हम लोग लिखते हैं डी ए बाय डी टी। लेकिन यहाँ बोल रहा है आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसलिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डी ए बाय डी आर, डी ए बाय डी आर। तो हम लोग मान लिए हैं कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो ए है और त्रिज्या जो है वो छोटी आर है, तो हम लोग को निकालना है डी ए बाय डी आर, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब आर का मान 14 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हम प्रश्न में हमको बोला जा रहा है आर के सापेक्ष, इसलिए हम लोग क्या किए हैं दोनों तरफ आर के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं, आर के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं। यहाँ पाई है अचर राशि इसलिए 12 हो गया, डी आर स्क्वायर बाई डी आर का जो अवकलन हो गया वो हो गया 2 आर। अब डी ए बाई डी आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। अब हमको आर का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14, इसलिए आर के स्थान पे हम लोग फुट कर दिए हैं 14, तो 14 गुना 2 किए हैं, तो आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग पाई का मान जानते हैं, ये होता है 22/7, 22/7, और 7 से इसको हम लोग काट सकते हैं तो हो गया है 4, तो 22 और गुना 4 करने पर आता है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना 9वां प्रश्न। अपना 9वां प्रश्न, मेरा 9वां प्रश्न है, मेरा 9वां प्रश्न जो है वह है वक्र वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बिंदु 0 0 पर
स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण है। और हमको निकालना है कि जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा सॉरी जो जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु 0 0 पर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, वक्र का जो समीकरण दिया है वो दिया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग मान लिए हैं कि स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया जो कोण है वो है थीटा। बनाया गया जो कोण है वो क्या है, थीटा। अब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेंगे। स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा के ढाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वक्र के समीकरण को एक बार अवकलन करते हैं तो जो अवकलन प्राप्त होता है वो अवकलन जो होता है वो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल होता है। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे इसको हम लोग एक बार अवकलन किए हैं तो आया है डी बाई डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो एक अवकलन करने में एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर आया है टू एक्स। अब हम बिंदु 0 0 पर डिवाइड डी एक्स का मान निकाल लिए हैं। बोलने का अर्थ हुआ कि ढाल का मान निकाल लिए हैं। ढाल को हम लोग एम से भी लिखते हैं, डिवाइड डी एक्स से भी लिखते हैं और टेन थीटा से भी लिखते हैं। तो जो मान आया है वो आया है 0, तो हम एम इक्वल टू आया है 0, तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0। तो जब टेन थीटा इक्वल टू 0 है तो हम लोग जानते हैं कि टेन 0 का मान 0 होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू जो है वो 0 डिग्री है। यानी थीटा का मान हम लिख सकते हैं 0 डिग्री, थीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपना 10वां प्रश्न की ओर, अपना 10वां प्रश्न की। और मेरा जो 10वां प्रश्न है वो है एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर -4, जहाँ एक्स बिलोंग टू -1 1 के लिए रोले के साध में सी का मान निकालें। रोले के साध में सी का मान निकालें, तो हम लोग को निकालना है रोले के साथ से सी का मान। तो रोले के साथ से हम लोग जानते हैं कि जो रोले का साथ से जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश सी इक्वल टू 0। जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है 4x स्क्वायर, एफ एक्स दिया हुआ है 4x स्क्वायर, इसको हम दोनों तरफ अवकलन कर लिए हैं और निकाल लिए हैं एफ डैश एक्स। तो दोनों तरफ अवकलन करने पर जो आया है वो आया है 8x 8x। अब यहाँ पे x, तो यहाँ x है तो हम x यहाँ पे c पुट कर दिए हैं 8c। अब रोले के साथ से हम लोग जानते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ एफ डैश सी का मान पुट कर दिए हैं 8c, तो यहाँ 8c इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू 0। इसलिए जो मेरा ऑप्शन जो होगा वो होगा, जो मेरा इसमें ऑप्शन होगा वो होगा 0, जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा 0। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपना 11वां प्रश्न की ओर। मेरा 11वां प्रश्न है इंटीग्रेशन -π/2 से पाए sin π/7x dx इक्वल टू वाट। तो इक्वल टू वाट, तो इसके लिए हम लोग मान लिए हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से पाए और sin π/7x dx। इसे हम लोग क्या किए हैं, sin π/7x को लिख दिए हैं sin π/6x × sin x × sin x dx। अब इस 6 को क्या किए हैं, हम लोग दिए हैं sin² x का होल क्यूब, क्योंकि 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और × sin x। फिर इसके बाद क्या किए हैं कि sin² x को हम लोग लिख दिए हैं 1 - cos² x, 1 - cos² x, 1 - cos² x का होल क्यूब sin x dx। अब क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से t बराबर पुट कर लिए हैं cos x, फिर t को एक मरते अवकलन किए हैं तो आया है -sin x। तो यहाँ हम लोग मान निकाल लिए हैं -dt इक्वल टू sin x dx। तो यहाँ हम sin x dx का मान पुट कर दिए हैं -dt, और cos x को हम लोग माने हैं t, तो यहाँ हो गया है t²। अब इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसके बाद हम लोग किए हैं क्या, यहाँ पे जो 1 - t² का होल क्यूब है इसको a - b के होल क्यूब पे तोड़ लिए हैं, a - b के होल क्यूब पे तोड़ लिए हैं। तो a - b को होल क्यूब पे तोड़ने पे आता है 1 - 3t² +
थ्री टी पावर फोर प्लस टी पावर सिक्स डी टी, सिक्स डी टी। ये जो माइनस है वो यहाँ जो माइनस आया था डी टी इसके बदले हैं। अब हम लोग क्या किए हैं, इसको सरिया लिए हैं, टी पावर सिक्स को पहले लिख दिए हैं, फिर थ्री टी पावर फोर को लिख दिए हैं, फिर माइनस थ्री टी स्क्वायर को लिख दिए हैं, और फिर प्लस वन को लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या किए हैं, इसका समाकलन कर दिए हैं। तो टी पावर सिक्स का समाकलन हो गया टी पावर सेवन बाय सेवन, टी पावर फोर का समाकलन हो गया है टी पावर फाइव बाय फाइव, तो हो गया थ्री बटे फाइव इंटू टी पावर फाइव। फिर टी स्क्वायर का हो गया है टी क्यू बाय थ्री, तो यहाँ से थ्री थ्री कट गया है। फिर वन का हो गया है टी, वन का हो गया है टी। फिर सभी स्थान पे हम लोग टी का मान पुट कर दिए हैं, क्योंकि टी इक्वल टू माने थे हम लोग कॉस एक्स, टी इक्वल टू माने थे हम लोग कॉस एक्स, तो यहाँ मान पुट कर दिए, तो आ गया है वन बाय सेवन कॉस पावर सेवन एक्स प्लस थ्री बाय फाइव कॉस पावर फाइव एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स और प्लस कॉस एक्स। इसके बाद क्या किए हैं, हम लोग लिमिट को पुट कर दिए हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले सारा अपर लिमिट को पुट कर दिए हैं, फिर सारा लोअर लिमिट को पुट कर दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई का जो मान होता है वो माइनस वन होता है, और यहाँ जो पावर है वो है विषम संख्या, इसलिए माइनस वन आया है। यहाँ पावर विषम संख्या इसलिए माइनस वन आया है, यहाँ भी पावर विषम संख्या इसलिए माइनस वन आया है, यहाँ भी पावर विषम संख्या इसलिए माइनस वन आया है। और साइन कॉस 90 का मान जो होता है वो होता है जीरो, इसलिए सारा यहाँ अभी अब जीरो हो गया है। तो इस तरह से हल करने के बाद यहाँ प्लस वन और माइनस वन कट जाता है, तो वन प्लस सेवन वन बटे सेवन प्लस थ्री बटे फाइव बचता है, और इस तरह से मेरा आंसर जो आता है वो होता है 26/35। लेकिन ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लगता है कुछ मिस्टेक है। अगर क्वेश्चन में इतना दिया जाए, अगर क्वेश्चन में इतना दिया जाए कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन पावर सेवन एक्स डी एक्स, तो इसका मान जीरो आता है, और यही मेरा ऑप्शन में है, यही मेरा जो आंसर होगा यही होगा। तो क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है कि अगर अगर लोअर लिमिट माइनस पाई बाय टू है तो अपर लिमिट पाई बाय टू होगा, तभी साइन पी पावर सेवन एक्स डी एक्स का मान जीरो आएगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को बना दिया जाए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू और साइन पे पावर सेवन एक्स डी एक्स, तभी इसका मान जीरो होगा, अन्यथा जीरो नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना 12वां प्रश्न। मेरा 12वां प्रश्न जो है वह है इंटीग्रेशन वन बाय एक्स, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स, जो फार्मूला होता है वो होता है लॉग एक्स प्लस के, लॉग एक्स प्लस के, या लॉग एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, के यहाँ कुछ भी हो सकता है, सी के कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए इसका जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा बी। और टेन एक्स का तो हम लोग जानते ही हैं, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी।